हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गणेश कुमार। गणेश टिप चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फ्लाइट का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और फ्लाइट का टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। आपको किसी को 200-300 रुपया फिर जितने पे चार्ज देते हैं वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ सकता है। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से आप यहाँ पर अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपल सा इस वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं बुक करने के लिए, लेकिन मैं आपके एक ही वीडियो में सारा एप्लीकेशन के थ्रू बताना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट जो है बहुत ही पुराना है उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ वीडियो। उसी एप्लीकेशन के थ्रू मैं आपको बुक करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपको सिंपल सा करना क्या, आप प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मेक माई ट्रिप आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है कि ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा मैं करता हूँ क्या हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैं यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसे ओपन मैं कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो होगा वो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा जैसे ही इंटरफेस है यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे वाले पे जाकर के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जबकि मैं यहाँ पे लॉगिन करके रखा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे फ्लाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो फ्लाइट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा, ऑन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑन वे मतलब होता है कि सिर्फ हमको एक साइड से जाना है, हमें दूसरे साइड से आना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले का ऑप्शन नहीं होगा। फिर और यहाँ पे राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि आप एक से दूसरी जगह यानी कि आप अप डाउन दोनों कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 1 जुलाई को यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आप रिटर्न, ठीक है, आपको रिटर्न का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, तो आप रिटर्न कब होना चाहते हैं आप इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसका कोई भी डेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप आने और जाने का एक ही साथ आप यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं एक ही बार में। और यहाँ पे मल्टी सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 या 3 से अधिक सिटी में अगर आपको विजिट करना है, ठीक है, या फिर 2 या 2 से अधिक सिटी में अगर आपको विजिट करना है तो अभी हम मल्टी सिटी वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कहाँ कहाँ जाना है एक ही साथ आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे जा करके आपको यहाँ पे ऐड सिटी कर देना है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। जितने मर्जी उतने सिटी भी आप यहाँ पे एक ही साथ में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या, हम यहाँ पे ऑन वे वाले पे यानी कि एक साइड से जो होगा उसके लिए हम टिकट यहाँ पे बुक करके आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल जैसे हमने ट्रेन में सर्च करते हैं वैसे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यहाँ पे फ्रॉम यानी कहाँ से कहाँ तक हमें यहाँ पे जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया था कि ये जैसे हमें न्यू दिल्ली से लेकर के हमको पटना जाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पटना का जो शॉर्टकट होता है PAT, ठीक है, जैसे यहाँ पे पटना का होता है यहाँ पे पटना वाले ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेट दिखाई देगा तो यहाँ पे डेट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने जुलाई का चूज किया था तो जुलाई वाले में यहाँ पे फेयर जो होगा कम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे दिन जो घट रहा है, जैसे जैसे दिन अपना बढ़ा रहे हैं तो ऐसा फेयर भी हमारा यहाँ पे घट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने जुलाई की बात करूँगा तो जुलाई में जो हमारा फेयर है यहाँ पे 2000 के करीब आ चुका है, ठीक है, 2315 रुपये आ चुका है। तो जैसे मैंने 1 तारीख को बुक करना चाहता हूँ उसका डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे डन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1 या 0 रहेगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं या फिर आप अडल्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि 12 या 12 साल से ज़्यादा का जितने भी लोग होंगे उसको यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। यानी कि 1 यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक टिक रहेगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो साइड में जो प्लस वाला ऑप्शन है, ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5-6 जितने भी टिकट काटना होगा यहाँ पे टिकट काट सकते हैं। अगर आपके पास अगर 2 साल या फिर 2 या 12 साल के बीच में अगर कोई बच्चा होता है तो उसका हाफ टिकट का जो रेट लगता है यहाँ पे लग जाएगा आपको, तो यहाँ पे आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे जो 2 साल या 2 साल से कम का अगर बच्चा है तो आपको यहाँ पे 1 या 2 जितने भी बच्चे होंगे आप यहाँ इसके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, बाकी का 0 रहने दे सकते हैं। तो मुझे अकेले ट्रेवल करना है तो यहाँ पे उस पर हम क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स और प्रीमियम क्लास का आ रहा है तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं, या फिर आप प्रीमियम बिजनेस हो गया और फर्स्ट क्लास हो गया तो ठीक है, आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना चाहते हैं तो बिजनेस क्लास के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल में हमें इकोनॉमिक्स क्लास में जाना है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले ऑप्शन पर जाकर हम यहाँ पे डन कर देते हैं। उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाले पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिस्काउंट जो होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सर्चिंग होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मेक माई ट्रिप का एक सबसे अच्छी बात है कि आपका यहाँ पे घटते क्रम में आपको यहाँ पे प्राइज दिखेगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्राइज होगा वो 2315 रुपये दिखा रहा है, इससे हाईएस्ट जो भी होगा वो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको दिखाई देगा। सबसे नीचे देखेंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे आप 2915 रुपये जो है आपको बढ़ते क्रम में सबसे नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे डेट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरे डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इससे भी डेट से अगर दूसरा डेट देखना चाहते हैं यानी कि अपने हिसाब से, तो आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है।
ठीक है, यानी कि आपको ऐसे खींचना है, जैसे ऐसे खींचेंगे तो आपको यहाँ पे डेट जो होगा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मुझे 12:35 फ्लाइट है और यहाँ पे 1 घंटा 35 मिनट लगा रहा है हमें पटना जाने के लिए, तो पटना हमें फ़्लाइट छोड़ देगी यहाँ पे 2:10 पे। तो इसी फ्लाइट को हमको बुक करना है, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिंपल सा बुक नाउ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया गया है हमें, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे केबिन बैग जो होगा, केबिन बैग जैसे कि ये कोई कैरी बैग हो गया, फिर स्कूल बैग हो गया, उसमें जब मैक्सिमम जो वजन जो होगा वो यहाँ पे 7 kg का होगा तो हम अपने पास में लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा बैग होगा चेक इन, यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी बैग लेकर के जाएंगे उस पर अपना एड्रेस नाम लिखना पड़ेगा, या फिर जो आपका टिकट है वो आप टिकट वहाँ पे बैग पे लगा सकते हैं। उसके बाद उसका जो वजन जो मैक्सिमम होना चाहिए वो वहाँ पे 15 kg हो सकता है, यानी 15 kg ही होना चाहिए मैक्सिमम। 15 kg से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करें दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे मैंने बताया था कि एक एक पीस आप लेकर के जा सकते हैं, एक से अगर ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड होता है तो आप यहाँ पे प्रोमो कोड लगाकर यहाँ से सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं, उससे होगा कि आपको कैशबैक या फिर आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया इंश्योरेंस का, अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं अपने आपका जो अगर फ्लाइट में कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको यहाँ पे पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला का ऐसा हो तो अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, नहीं करना चाहते तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। मुझे नहीं करना तो मैं नो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपको देख लेना है। सब कुछ देखने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब बताया जाएगा आपको ट्रेवल डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे ट्रेवल डिटेल्स जो होगा वो मैं पहले से डाल करके रखा हूँ, तो अगर आप चाहें तभी भी डाल सकते हैं। जैसे एडिट वाले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एड्रेस जो होगा और आपको यहाँ पे डालने के लिए आ चुका है, यानी कि एड्रेस मीन्स आपको आपका नेम और आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम सेकेंड नेम, ठीक है, और आप मेल है या फीमेल है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको और भी यहाँ पे डालना चाहते हैं, एक से दो यानी दूसरे का भी नाम डालना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू अडल्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और आपको यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। अगर नंबर नहीं अगर लॉगिन किए होंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, अगर लॉगिन नहीं किए होंगे तो आप यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पे बताया जाएगा कन्फर्म करने के लिए, यहाँ पे सिंपल से आपको देख करके कन्फर्म कर देना, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है, यानी कोई गलती तो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ओके ओके का आएगा फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ पे ओके आपको कर देना है। इसके बारे में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ दिखाया गया है कि ऐसा वाला जो कलर है इसमें आपको फ्री यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देने की नहीं पड़ेगा। और जो आपको यहाँ पे ऐसा वाला जो कलर आ रहा थोड़ा सा कलर, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका किराया बढ़ सकता है यहाँ पे 100 से लेकर 250 के बीच बढ़ सकता है। अगर ऐसा वाला जो बिल्कुल जो ऐसा दिख रहा है आपको तो यहाँ पे 200 से 250 का किराया यहाँ पे यानी 250 से लेकर के यहाँ पे 2500 तक किराया जो होगा आपको यहाँ पे बढ़ सकता है। आपको यहाँ पे सब कुछ देख लेना है। अगर आपको विंडो सीट लेना चाहते हैं तो अगर आप मेरा जो मेन ये फेयर यहाँ पे 2325 रुपया, अगर मुझे किसी कोई विंडो सीट देखते हैं जैसे यहाँ पे नीचे करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे फ्लाइट का ऊपर ऑप्शन रेड वाला में दिख रहा होगा जो सबसे आगे का होगा ये दिखेगा। जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे जो कलर होगा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना कि कौन सा सीट आप बुक करना चाहते हैं। ये वाला जो रो है ये सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट वाला रो है जो 31 31 जो रो होता है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमें अगर कोई भी सीट बुक करना है विंडो साइड अगर हम बुक करते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 100 से 250 रुपया ज़्यादा लग जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मेरा जो किराया है जो यहाँ पे बढ़ चुका है, यहाँ पे 200 रुपया जो है हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं यानी कि आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कोई फ्रूट चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे फ्लाइट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसे आपको करना क्या है, नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना, कुछ ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से यानी कि देखेंगे कि 16 किलोमीटर के हिसाब से अगर आता है, ठीक है, 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे चाहते हैं तो अपने घर पे आप मंगा सकते हैं कोई भी कार, तो यहाँ पे टिक करना होगा। अगर आप नहीं मंगाना चाहते तो आपको यहाँ पे ऐसे छोड़ देना। उसका नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक पे एक यहाँ पे हमारा आ चुका है। जब फ्रूट के लिए हम ऑर्डर नहीं किए तो यहाँ पे 0 आ चुका है। एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे
पेमेंट का मेथड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे गूगल पे आ चुका है, EMI हो चुका है, या फिर डायरेक्ट आप UPI भी यहाँ से डाल सकते हैं। UPI वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप UPI आपको यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट गूगल पे से करना चाहते हैं, जैसे गूगल पे आ चुका है तो गूगल पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू आएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको गूगल पे में रिडायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे आपको कर दिया जाएगा। तो गूगल पे वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक किए हैं, उसके बाद हमें यहाँ पिन मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा है हम अपना यहाँ पे पिन दे देते हैं। पिन दे देंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फेयर जो कि 2815 रुपये है, 2815 रुपये यहाँ पे हमें बोला जा रहा है यहाँ पे करने के लिए। जैसे हम पे कर देंगे तो हमारा टिकट जो का कन्फर्म हो जाएगा और मेरे ईमेल आईडी पे इसका जो रिसीविंग जो होता है वो हमारे ईमेल आईडी पे टिकट का A4 साइज़ में चला जाएगा। तो अगर जैसे कि अभी हमें बुक नहीं करना है, जैसे हम नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे सेम टू सेम यही है। अगर आप बुक कर लेते हैं तो सबसे पहला नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, ईमेल आईडी पे भी आपको यहाँ पे पूरा रिसीविंग चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप इससे एप्लीकेशन में ट्रैक करना चाहते हैं तो आप देखेंगे सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ रहेगा माई ट्रिप। तो जैसे माई ट्रिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो भी आप यहाँ पे टिकट बुक किए होंगे डेट वाइज। अब यहाँ आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल चलिए जय हिंद।